मरियापुर गांव में रघुराम, पत्नी निरुपा, पुत्र केशव व मनोज और बहुएं रावली व कावेरी थे। उनका एक मध्यम वर्गीय परिवार था। निरुपा एक ऐसी महिला थी जो अपनी बात पर कायम रहती थी और लड़के भी अपनी माँ की हर बात मानते थे। दोनों बेटों का अपना ऑफिस था जहाँ वे तरह तरह की चीजों के ठेके लेते थे और ठीक ठाक कमा लेते थे। बहुएं घर का काम संभालती थी और पति पत्नी दोनों अपना खेत जोतते थे। एक दिन निरुपा अपने पति से कहने लगी, आओ जी नाश्ता कर लेते हैं, दोपहर का भोजन खेतों में ही कर लेंगे। मैं अभी नहीं खाऊंगा, इच्छा नहीं हो रही। निरुपा तुम पैक क्यों नहीं कर लेती, बाद में खा लूंगा। अरे नाश्ते के टाइम पे नाश्ता करना चाहिए, आप खाकर नहीं चलेंगे? नहीं, पेट भारी हो रहा है, वही खा लूंगा। रघुराम की बातें सुनकर निरुपा उसके लिए नाश्ता और दोपहर का खाना पैक करने किचन में चली गई। मैंने तुम्हारा लंच पैक कर लिया है, चलो चले। उन्होंने अपना दोपहर का भोजन पैक लिया और खेतों की ओर चल पड़े। वहां जाकर दोनों ने खेत में काम करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ घर में दोनों बहुएं एक दूसरे के कान को तरने लगी। जी जी, हमारे सास ससुर एक नवविवाहित जोड़ी की तरह रोज खेतों में जाते हैं, अजीब नहीं लगता? ये सच है कि दोनों एकदम लव बर्ड्स की तरह रहते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए। वैसे ये दोनों रोज खेतों में जाते ही क्यों हैं? क्या इनके पास खेतों में काम करने के लिए मजदूर नहीं है? वे ऐसे इधर उधर की बातें करती रहीं। शाम हो गई लेकिन उनकी अपनी गपशप बंद नहीं हुई। रोज की तरह उनके पति ऑफिस से भी लौट आए। आते ही केशव ने कहा, रावली मुझे बहुत तेज सिर में दर्द हो रहा है, एक कप चाय। बस एक मिनट में लाई। रावली अपने पति के लिए एक कप चाय लेकर जाती है। तब तक सास ससुर भी खेतों से लौट आते हैं। सोफे पर बैठकर रघुराम कहता है, बहुत थकान हो रही है, बहू जरा एक कप चाय मिलेगी? मैं अभी चाय लेकर आती हूँ ससुर जी। रावली तुरंत जाकर अपने ससुर के लिए एक कप चाय ले आती है। जब काम करने के लिए मजदूर है तो आप खेतों में हर रोज बेवजह क्यों जाते हैं? देखते हुए अच्छा लगता है क्या सासुमा? उम्र हो गई है आपकी, घर में रहकर पूजा पाठ करना चाहिए। रावली की बातें सुनकर निरुपा भड़क गई। तुम दोनों नहीं जानती कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, और हम तुम पर तो इस मेहनत का बोझ नहीं डाल रहे हैं ना? लेकिन अब कल से मैं तुम्हें भी एक जमीन का टुकड़ा दूंगी और तुम उसे जोतना शुरू कर दो, फसल उगाओ दोनों मिलकर, तभी तुम समझोगी कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। तुम दोनों घर में रहकर मजे कर रही हो ना, तुम दोनों को कैसे समझ आएगी मेहनत के पसीने की कीमत? घमंड चढ़ गया है। खेत जोतने के लिए इतना परेशान होने की जरूरत क्या है? खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर है ना, और बाकी काम करने के लिए मजदूर है। मुझे समझ में नहीं आता बिना किसी आवश्यकता के आपको हर दिन वहां क्यों जाना होता है। जब बारिश में भीगोगी, कड़ाके की ठंड में कपकपाओगी और गर्मी में खाल जलेगी, तब ये सारी बातें भूल जाओगी। अब से तुम दोनों रोज खेत में जाओ और जो हम उगाते हैं उससे बेहतर फसल उगा के दिखाओ, तभी तुम्हें दिन में दो बार खाना खाने को मिलेगा, नहीं तो बस एक बार खाना और हरी के गुण गाना। समझ गई? कल से सुबह सुबह उठ जाना। वो दिन किसी तरह बीत गया। अगली सुबह दोनों बहुएं किचन में थीं। तभी निरुपा अपने कमरे से बाहर आई और बोली, कहां हो दोनों बहुओं, एक कप चाय लेकर आओ जरा। सास की आवाज सुनकर, मुझे इस महिला की आवाज से ही नफरत है। उसके पति को तो हमेशा उसकी हर कही बात माननी है, लेकिन हमारे पतियों को नहीं माननी है। कितनी चालाक महिला है और क्या नियम बनाए हैं, मुझे तो एकदम भैंस की तरह दिखती है। हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है, उसके पास कुछ जादुई शक्तियां हैं कि सबको इस तरह अपने काबू में रखती है। चाय ला रही हो या नहीं, एक कप चाय लाने के लिए कितना टाइम लगेगा? अभी लाई, अभी लाई। रावली ने अपनी चाय सास को दी। दोनों जेठानी देवरानी फुसफुसा ली अच्छे से एक दूसरे के कानों में, ऐसा कुछ नहीं है। आज से खेतों में काम करना शुरू कर दो, सारे कल्ले अपने आप झड़ जाएंगे, समझ में आई? जैसा आप कहें माँ जी। देवरानी जेठानी खेत में गई और बैल ढूंढने लगी लेकिन उन्हें नहीं मिले, तो वो दोनों
एक साथ बैठ गईं और सोचने लगी कि बिना बैलों के खेत की जुताई कैसे करें। तभी सास वहां आ जाती है। दोनों अपनी सास को आते देखकर खड़ी हो जाती हैं। मैंने तुमसे खेत जोतने को कहा था, लेकिन तुम ऐसे बैठी हो जैसे किसी पार्टी में आई हो। हमने खेतों में पानी डाल दिया और जोतने लगे, लेकिन बैल नहीं मिले, क्या करें, बैठ गए। अगर हमारे पास खेत जोतने के लिए बैल नहीं है तो क्या हम जोतना बंद कर देंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे? तो फिर कैसे करें, आप ही बता दीजिए। कैसे जोतें? अपने कंधे पर लो हल और जोतो खेत को। और क्या, इस तरह बैठे रहने से बैल चरते हुए खुद तुम्हारे पास आ जाएंगे क्या? अकल नहीं है, इतनी बड़ी हो गई हो। नहीं, हमारे पास ट्रैक्टर है ना, तो ट्रैक्टर से जुताई कर लेते हैं। लड़कियों, ये ट्रैक्टर हमने हाल ही में खरीदा है, वो तुम दोनों को नहीं दिया जाएगा। कोई बैल नहीं है, लेकिन हमारे पास हल तो है ना, कंधे पर उठाकर जोतना शुरू करो। मैं देखूंगी तुम दोनों कैसे करती हो इस काम को। चलो जल्दी से लगो काम पर, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। सास की बात सुनकर दोनों चुपचाप खड़ी रहीं। कुछ देर बाद दोनों ने हल उठाया और मेहनत करने में जुट गईं। उधर दूसरे खेत में सास ट्रैक्टर में बैठकर खुशी खुशी गीत गाते हुए खेत जोत रही थी। कावेरी, देख रही हो कैसी ऊंची आवाज में गाने गा रही है? जी जी, अब उसके बारे में कुछ भी बुरा मत बोलना। अपनी फालतू बातों के कारण हम आज काम पर आए, और अब अगर हम कुछ और कहेंगे तो वह हमसे तपती धूप में काम करवाएगी। दोनों ने बिना एक भी शब्द बोले काम करना शुरू कर दिया। चेप बात, अपनी दोनों बहुओं को इतनी मेहनत करते हुए देखकर कितना सुकून मिल रहा है। क्या तुम लोग ठंडा पानी या कोई कोल्ड ड्रिंक पियोगी? बोलो, चाहिए तो बोलो। हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है सासू माँ, हमारे पास है। तुम्हारा आज के दिन के बारे में क्या ख्याल है, गर्मी है? कभी गर्मी कभी ठंड है सासू माँ। अच्छा, तुम दोनों ने खेत को कितनी दूर तक जोत लिया? अब दोपहर का खाना खा लो और फिर से लग जाना काम में। हमने एक हिस्सा जोत लिया है सासू माँ। सास ट्रैक्टर से उतरकर पेड़ की छांव में आ जाती है। दोनों बहुएं भी अपना हल छोड़कर पेड़ के नीचे आ जाती हैं। निरूपा लंच बॉक्स खोलती है, उसमें अचार और चावल था, और ये था बहुत गर्म। वो दोनों पानी के घूंट भरने लगी। आप अचार और चावल क्यों लाई, और ये है भी बहुत गर्म, खाते नहीं बन रहा। ये कहो कि मैंने तुम पे दया की कि तुम भूखे ना मरो, और इसीलिए मैं इसे ले आई, वरना खाने को कुछ नहीं होता। चलो अब जल्दी खाओ और लगो फिर से। दोनों बहनों ने फिर से जोतना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने बीज बोए, कुछ महीनों में फसल उगाई। उन्होंने सास से बेहतर फसल की उपज प्राप्त की थी। बहुओं की फसल को देखकर सास को उन पर बड़ा गर्व हुआ। सुधा चैन से बिस्तर पर लेटी है। उसे एक सपना आता है। उस सपने में एक ट्रेन पटरी पर खड़ी कार से टकरा गई। इससे कार उछलकर दूर जा गिरी और सास की मौके पर ही मौत हो गई। सुधा ये सोचती हुई मुस्कुराती है। दूसरी तरफ रेल की पटरी पर एक कार खड़ी है। ट्रेन तेजी से आ रही है। लड़ाकू कनकम्मा यानी सुधा की सास जो कार में है घबराई हुई है। अब क्या करूं, ट्रेन तो बहुत तेजी से मेरी तरफ आ रही है और कार के दरवाजे बाहर से लॉक है, नहीं खुलेंगे। सास कनकम्मा को बड़ा अजीब लगा कि बहू सुधा को उससे इतनी नफरत है, आखिर क्यों, उसे समझ नहीं आया। कनकम्मा कार से बाहर निकलने की कोशिश में है, तभी उसे कार की पिछली सीट पर डंबल पड़े दिखाई दी जाते हैं। एक भी पल गवाए बिना उसने डंबल लिया और कार का शीशा तोड़ दिया। ट्रेन कनकम्मा की ओर तेजी से आ रही है। कनकम्मा ने कार का शीशा तोड़ दिया है और तुरंत कार से बाहर निकल गई है। ट्रेन कार से टकरा गई और कार उड़ती हुई दूर जा गिरी और चकनाचूर हो गई। सास कनकम्मा घर आती है और डोरबेल बजाती है। बिस्तर पर लेटी सुधा सोचती है, अरे इतना अच्छा सपना टूट गया, अब कौन आ गया? मैं इतना गजब का सपना देख रही थी कि मेरी सास मर रही है।
अभी किसी चूहे ने अपनी की की से खलल डाल दिया। अभी देखती हूँ जाकर कि कौन है। सुधा हॉल में आती है और दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर सास कनकम्मा दिखाई देती है। उसे देखकर बहू मन में, कि क्या मैंने कितने मजे से अपने सपने में उसे मरते हुए देखा था, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। बड़ी सख्त जान है, मैं एक से बढ़कर एक प्लान बनाती हूँ फिर भी उसे मार नहीं पा रही। अब से मुझे इस डॉन सास को मारने की कोशिश करना बंद कर देना चाहिए। अरे सासू माँ, तुम्हारा दिमाग काफी टेढ़ा चल रहा है आजकल। मैं क्या तुम्हारे सोचने भर से मर जाऊंगी? मैं ऊपर तभी जाऊंगी जब भगवान मुझे बुलाएगा। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, हटो सामने से। ऐसा कहकर सास कनकम्मा घर के अंदर चली आई। बहू सुधा हॉल में सोफे पर बैठी है। ऐसा लगता है कि मेरी सास मेरे हाथों मर सकी, इतनी भाग्यशाली नहीं हूं मैं। क्या कभी मैं तो नहीं मर जाऊंगी उसके हाथों? छी छी, ये क्या सोच रही हूं मैं? काले कौवे जैसे चेहरे वाली मेरी सास में इतनी हिम्मत नहीं है। इसी बीच सुधा का पति आता है और चिल्लाता है, माँ माँ। सुधा अपने पति को आते हुए देखती है। चिल्ला चिल्ला कर अपना गला क्यों फाड़ रहे हो? विशाल वृक्ष जैसी मैं यहाँ बैठी नहीं दिख रही? मुझे नहीं बता सकती क्या बात है? क्या बात है? क्या तेज आवाज में क्यों बोल रही हो? अपनी बेवकूफी भरी बातों को बंद करो और माँ को बुलाओ। इसी बीच कनकम्मा आ गई। उसे पागलों की तरह बात करने दे बेटा, बिचारी पागल है। यहाँ बैठे बैठे हमारी बातें सुनने की जरूरत नहीं, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कॉफी बनाकर लेकर आओ हमारे लिए। जाओ जल्दी से किचन में। क्या मैं? मेरे बेटे ने तुमसे ही शादी की है ना, तुम मुझसे ऐसे क्यों पूछ रही हो? तुमको ही बोल रही हूँ कॉफी लाने के लिए। मुझे आश्चर्य, अगर मैं इसे बनाऊंगी तो क्या आप पी लेंगी? हाँ पी लूंगी, जाओ और एक अच्छी कॉफी बनाकर लेकर आओ। सास की बात सुनकर बहू सुधा सोच में पड़ जाती है और रसोई में जाती है। मैंने उसे कितनी बार मारने की कोशिश की है, हर बार बच जाती है और वापस आ जाती है। इस बार मैं कॉफी में जहर डालूंगी जिससे वो बच नहीं पाएगी। आज देखती हूँ कितनी सख्त जान है ये। आज मैं देखूंगी कि कौन आता है इसे बचाने के लिए। सुधा कॉफी बनाती है और उसमें चूहे मारने की दवाई डाल देती है। रसोई से बाहर आते हुए सुधा अचानक लड़खड़ा पड़ी और गिर गई। कॉफी फर्श पर गिर गई और सुधा भी। सुधा को गिरते देख कनकम्मा और सुधा का पति वहां आते हैं और सुधा को ऊपर उठाते हैं। सुधा अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। कितनी बार कोशिश कर चुकी हूं मैं, लेकिन मरती ही नहीं। मौत की कगार पर जाती है और बिना मरे वापस लौट आती है। उसे मारने के बजाय अच्छा बोलकर दोस्ती कर लेनी चाहिए, कम से कम मन शांत रहेगा। सुधा ऐसे ही सोच रही थी और सास कनकम्मा वहां आ गई। सुधा पैर कैसा है तेरा? सुधा अपनी सास का अच्छा व्यवहार देखकर सन्न रह गई और हैरान होकर उससे पूछा, अरे सासू माँ, तुम मुझ पर जरा भी नाराज नहीं हो? नाराज होने की क्या बात है, एक दिन इस सास के दिल में झांक कर तो देखो, सोच बदल जाएगी। दिन ब दिन उम्र में बढ़ रही हो, लेकिन हरकतें वही बचकाना है। तुमको लगता है कि मुझे मार दोगी तो खुश रहोगी, तो मार दो, लेकिन बहू जब तक मेरा जीवन है मैं कैसे मर सकती हूँ? तुम बहुत सख्त जान हो सासू माँ। बहू की बातें सुनकर कनकम्मा मन में सोचती है, अगर मैं तुम्हारे भले के लिए पैसों की बचत करती हूँ तो तुमने मुझे सख्त जान नाम दे दिया और मुझे मारने की कोशिश कर रही हो, लेकिन क्योंकि मैं भाग्यशाली हूँ इसीलिए बच रही हूँ, नहीं तो मेरी आत्मा कब की हवा में घुल गई होती और तुम सारी संपत्ति लुटा रही होती। मुझे लगा कि तुम मेरी बहू हो, लेकिन तुमने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन बहू तुम मुझे नहीं मारोगी, मैं मारूंगी तुम्हें, देखती जाओ। सासू माँ, मैं जाकर किराना दुकान खोलती हूँ, आप घर पर रहकर आराम कर लो। मुझे आराम करने की क्या जरूरत है, मैं ठीक हूँ और सेहतमंद हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी है। चलो पास के गांव के देवी के मंदिर में चलते हैं, सुना है कि देवी बहुत शक्तिशाली है, वहां जाकर अपने परिवार की खुशियों के लिए प्रार्थना करेंगे और देवी को प्रसाद भी चढ़ाएंगे। चल रही हो साथ में कि नहीं? सासू माँ, पड़ोस का गाँव हमारा गाँव ही तो है, मैं इसे बचपन से देखती आ रही हूँ। इस गाँव की देवी बड़ी महिमामयी है, जो कोई भी उनसे दिल से प्रार्थना करता है ना, वो उसकी अवश्य सुनती है, लेकिन वहां जाने के लिए बसों और नावों को रोक दिया गया है, तो हम वहां जाएंगे कैसे? बहू तुम पता नहीं कब की बात कर रही हो, बस और नाव सब चल रही हैं, तुम बस तैयार हो जाओ,
और बेटे को भी बुला लो, उसे भी साथ चलने के लिए कहो। मैं तब तक देवी के लिए कपड़े निकालती हूँ नए। ठीक है सासू माँ। सासू माँ, मैंने उन्हें फोन किया तो उन्होंने कहा कि वो सीधे वहां आ जाएंगे और हमें वहां पहुंचने के लिए कहा। मैं भी यही चाहती थी। क्या सास, क्या कहा आपने? कुछ नहीं बहू, मैंने कहा कि अच्छा होता अगर सब एक साथ चलते। लेकिन अब क्या करें सासू माँ, ऑफिस में आपके बेटे की एक जरूरी मीटिंग है। ठीक है बहू, चलो उससे मंदिर के पास ही मिल लेंगे। कनकम्मा दुकान पर जाती है। सुधा सब कुछ तैयार करती है जो उन्हें घर से मंदिर ले जाना जरूरी होता है। कनकम्मा जो थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी, घर वापस आती है। दोनों तैयार हो जाते हैं और ऑटो में बैठकर रेलवे स्टेशन जाते हैं। वहां कुछ देर ट्रेन का इंतजार करते हैं, तभी ट्रेन आ जाती है। सारा सामान ट्रेन में रखकर दोनों ट्रेन के अंदर जाकर बैठ जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद सास कनकम्मा, बहू यहाँ हवा ठीक से नहीं लग रही, मैं दरवाजे के पास जाकर बैठ रही हूँ, पीछे से आकर फिर से तो मुझे धकेल नहीं दोगी तुम? चीची, ऐसा कुछ नहीं करूंगी मैं। अगर आप चाहो तो मैं भी आपके साथ आ जाती हूँ, हम साथ में बैठेंगे। दोनों सास बहू दरवाजे पर जाकर बैठ जाती हैं। दोनों आपस में बातें करने लगती हैं। ठंडी हवा लगने से थोड़ी देर बाद सुधा की झपकी लग गई। सास कनकम्मा ने देखा और सोचा, मैं कभी तुमको मारना नहीं चाहती थी, मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए सोचती थी, लेकिन अगर मैंने तुम्हें जिंदा रहने दिया तो तुम एक न एक दिन मुझे मार ही डालोगी। मैं तुम्हारे हाथों नहीं मरना चाहती, बल्कि मैं तुम्हें मार दूंगी ताकि झंझट ही खत्म हो जाए। और कनकम्मा ने बहु सुधा की गर्दन को कसकर पकड़कर ट्रेन से लटका दिया।